आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो चुका है। छठ आते ही बड़ी खंजरपुर के मिश्रा टोला की संध्या मिश्रा के घर में चहल पहल बढ़ जाती है। 54 साल की संध्या इस बार 65 परिवारों के लिए 133 सूप की पूजा करेंगी, जो पिछले साल से 2 अधिक है। छठ पर्व आते ही परिवार और दोस्तों की भीड़ अभी से जुटनी शुरू हो गई है। संध्या ने बताया कि लोगों की आस्था और विश्वास के कारण हर साल सूप की संख्या बढ़ जाती है। इस साल भी 2 सूप बढ़ गए हैं। घर में बेटा नहीं होने के कारण सासू माँ ने मन्नत मांगी थी कि अगर पोता होगा और बहू छठ व्रत करेगी। मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने पहली बार 1989 में छठ व्रत किया था। उस समय 5 परिवार के 21 सूप से पूजा हुई, जो धीरे धीरे अब 65 परिवार जुड़ गए हैं और सब मिलकर 133 सूप हो गए हैं। इसमें अधिकांश रिश्तेदार और दोस्त हैं। संध्या के प्रति विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि यहाँ कई लोगों को पुत्र, आंख की रोशनी, नौकरी आदि मन्नतें पूरी हो गई हैं, जिसके बाद सूपों की संख्या बढ़ती गई। संध्या मिश्रा ने बताया कि बड़ी खंजरपुर स्थित दुर्गा स्थान के पास उनके ससुर वीरेंद्र किशोर मिश्रा ने 1989 में पोखर का निर्माण किया था। यही पहली बार छठ व्रत उन्होंने शुरू किया। उसके बाद से लेकर अभी तक अर्घ दिया जाता है। सुबह वाले अर्घ के दिन मंदिर में सूर्य पुराण पाठ का भी आयोजन किया जाता है। तिलका मांझी के प्रणव दास ने बताया कि उनका भी 2 सूप की पूजा संध्या मिश्रा ही करती हैं। लोगों की आस्था उन पर है, जो सूप उनसे कराते हैं उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।